हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ से कोई ना कोई यादें ज़रूर जुड़ी हुई होती हैं। उन्हीं में से एक बेहतरीन यादें हैं हमारा बचपन, हमारे बचपन की यादें। मुझे याद है वो जन्मदिन का मनाना, अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाना, स्कूल में जाकर चॉकलेट और टॉफियां बांटना। मुझे याद है वो गर्मियों की छुट्टियां, जिसका बेसब्री से इंतज़ार करना, और आखिरी के 5 दिनों में सारा हॉलीडेज होमवर्क करना। याद है मुझे वो एक्स्ट्रा क्लासेस, वो बोर्ड एग्ज़ाम, और सर्दियों में ठिठुरती हुई सुबह सुबह उठकर एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करना। याद है मुझे टीचर की मार से दोस्त को बचाने के लिए पूरी क्लास का खड़े हो जाना। याद है मुझे वो बेसब्री से गेम्स के पीरियड का इंतज़ार करना। याद है मुझे वो मेरे दोस्त का चुपके से लंच खा जाना। याद है मुझे वो 1 रुपए में 12 मछली की टॉफी और संतरे की गोली खाना। याद है मुझे छुट्टी के 5 मिनट पहले ही बैग का बंद करके बैठ जाना और बेल बजते ही घर की ओर दौड़ जाना। याद है मुझे वो भागते हुए घर जाना ताकि फेवरेट टीवी सीरियल न छूट जाए, और स्कूल यूनिफॉर्म पहने ही पूरा सीरियल देखना और देखते देखते सो जाना। याद है मुझे किचन में से चुपके से मिल्क पाउडर का चुराना और पूछने पर अपने छोटे भाई बहनों का नाम लगाना। याद है मुझे अपने भाई बहनों के साथ लड़ जाना। याद है मुझे चुपके से साइकिल की चाबी चुराना और साइकिल निकाल कर बाहर ले जाना। याद है मुझे वो चोट खाना और किसी को ना बताना। रोज़ शाम होते ही घर से कंचे या टायर लेकर निकल जाना और जब तक माँ ढूंढने ना आए तब तक वापस ना जाना। याद है मुझे वो गिल्ली डंडा, खो खो, लट्टू, छुपन छुपाई और अपने पक्के दोस्त के साथ खेल में बेमानी का खा जाना। याद है मुझे वो बस की विंडो खिड़की के लिए लड़ जाना और विंडो से सिर्फ बाहर झांकना और झांकते हुए सो जाना। याद है मुझे कूलर के आगे सोने के लिए लड़ना क्योंकि पीछे हवा नहीं आती। याद है मुझे किसी से झगड़ा हो जाने पर बॉयकॉट करना, चाहे अपने भाई बहनों से ही क्यों ना हो। याद है मुझे वो वीडियो गेम के लिए जिद करना और हर बार अपने पेरेंट्स से यही सुनना, इस बार क्लास में फर्स्ट आओ तो दिलवा देंगे। याद है मुझे वो दिन जब सब कुछ कितना सिंपल हुआ करता था बिना स्मार्टफोन के। ये हम सभी ने एक बार तो ज़रूर सोचा होगा कि मेरा बचपन कोई हमें लौटा दे या मैं वो बचपन फिर से जी पाता। कहने को तो बहुत है कि उसके लिए दिन भी कम पड़ सकता है। उन दिनों को याद करके आंखों के सामने वो एज इट इज़ विजुअलाइज होने लगता है और दिल करता है कि उसी टाइम में जाना पॉसिबल होता तो कौन न चाहता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, फीडबैक है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सभी कमेंट पढ़ूंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आगे अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।